एक पैरानोमिक व्यू मिलता है किसका, द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, कांचनजंगा माउंट। पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टैचू बना हुआ है जो अराउंड है। आप मेरी क्या हो? मम्मी। तो मरे हुए आदमी है उनके मेमोरीज में। कैसी जगह है? मेरा भी जैसी है। मम्मा का मेकअप अच्छा लग रहा है। मम्मा कितना देर लगा इसको करने में? वाईचुंग स्टेडियम, जो मैं आपको बताया था ना गाइस, अंडर 50 की कैटेगरी में फुटबॉल में सिलेक्शन। रोज डे निकल चुका है, ठीक है, अभी भाभी को इंप्रेस करके क्या फायदा बता। अरे भाभी को अच्छा लग रहा है ना आपको? मद्दूक है उसे बेचारा। अच्छा तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो और अभी अराउंड हो गया है 4:55। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक ऐसी जगह जिसका एल्टीट्यूड अराउंड 1315 है मीटर्स। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा क्योंकि अभी मैं हूँ 740 पे, तो अराउंड हमें ट्रेवल करना है लगभग 550 मीटर और ऊपर हाइट में, एल्टीट्यूड में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उस प्लेस का नाम है नामची, उस जगह हम आपको लेके जा रहे हैं। और वो उस प्लेस की खासियत क्या क्या है, पहली बात तो उस जगह से आपको एक पैरानोमिक व्यू मिलता है किसका, द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, कांचनजंगा, माउंट कांचनजंगा का। सेकेंड तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप बागडोगरा एयरपोर्ट जो सिलीगुड़ी में, अगर वहाँ से आप जाएंगे नामची के लिए, तो वहाँ से अराउंड डिस्टेंस पड़ता 100 किलोमीटर, और अगर आप गैंगटॉक से ट्रैवल करेंगे तो वहाँ से पड़ेगा अराउंड 76 किलोमीटर। तो अभी हमारे यहाँ से वही लगभग, यहाँ से गैंगटॉक है लगभग 10 किलोमीटर, तो यहाँ से लगभग वही 66 किलोमीटर के अराउंड होगा। तो रहन दो फिर। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टैचू बना हुआ है जो अराउंड 118 फीट का है, जिसको बोलते हैं बुद्धिस्ट पद्मशंभवा, बुद्धिस्ट पद्मशंभवा। उसको दूसरा नाम उसका गुरु रिनपोचे भी है। और नामची क्या है ना गाइस, वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। किस डिस्ट्रिक्ट का, जैसे सिक्किम में 4 डिस्ट्रिक्ट है, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम। तो हम लोग जा रहे हैं आज साउथ सिक्किम में, और वो नामची क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है साउथ सिक्किम का। उस जगह पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, सारे अच्छे अच्छे टेम्पल्स भी हैं वहाँ पे, और एक तो अच्छे खासे एल्टीट्यूड। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो प्लेस इसलिए और ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे सिक्किम गवर्नमेंट ने एक स्टेडियम बनाया है। किसके लिए सर? बाईचुंग भूटिया का तो नाम आपने सुना है, उन्हीं की याद में, उन्हीं को एक ऑनर देने के लिए उनकी याद। नहीं, उनको एक ऑनर देने के लिए वहाँ पे एक बाईचुंग स्टेडियम भी है। तो चलो कोशिश करेंगे अगर वहाँ भी जा पाए तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं तो रेडी हो गया हूँ, अभी 5 बजे हमारे जो सर है, सीनियर है, उन्होंने बोला था 5 बजे रेडी हो जाना क्योंकि 5 बजे हमें यहाँ से निकलना है कि नहीं रेडी हो। और आज हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लोग भी जाने वाले हैं, तो चलो उनसे भी मिलाऊँगा आपको। मुझे लेके मेरी मम्मा कहाँ जा रही है? घूमने। आप मेरी क्या हो? मम्मी। कुछ भी। अच्छा नहीं, ओ सॉरी, किस नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आज मेरी मम्मा ने मेकअप किया है ना, तो वो मेकअप निकल जाएगा इसीलिए, है ना मम्मा? अबे ओ अच्छा वीडियो करना स्टार्ट कर दी। हाँ क्या इसमें आप को बताया था ना मेरे साथ बहुत ही स्पेशल लोग जा रहे हैं, हमारे नाना जी। अभी बता तो, ये हमारे नाना जी हैं, वो हमारी नानी जी हैं। अभी जो मुझे परेशान कर रहे हो अभी। कहाँ परेशान कर रहे हो मम्मा? क्या क्या बोला आपने? गाड़ी आ रहा है। और उससे अभी तो हम लोग रेडी हो गए सब निकलने के लिए, वो हमारी गाड़ी रेडी हो गई है, हमारे सर लोग भी रेडी हो गए। मम्मा कुछ दिख रहा है? टॉर्च जला के आगे रख के बोनेट पे बैठ जा।
जाएगा अपना प्रतिमान भाई। हेलो बोल दो। हेलो। गाइस गुड मॉर्निंग सिक्किम। अभी देखो टाइम कितना हो गया मैं आपको दिखा, अराउंड 6:36 हो गया और देखो यहाँ पे सनशाइन हुई है सिक्किम में। देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का सीन। देखो हेलो भाभी जी, ये मेरी नानी जी मतलब भाभी जी। कुछ भी मम्मा मेरे से बात नहीं कर रही है, दुकान खुली हुई है, रुको मम्मा। भाभी जी, भाभी जी तो हाय कर दिए पहले। जो आप सिक्किम में ढेर सारे फ्लैग्स देखते ना हर जगह पे, जितनी भी जगह, ये तो रेड ये प्रिंटेड रहते हैं। जो मैं आपको एक बार बताया था कि ये एक बंदा बताया था कि बौद्धिस्ट के जो भगवान का वो इंडिकेट करते हैं वो फ्लैग्स होते हैं ना, लेकिन हमारे बॉस बताएंगे कि वो एक्चुअली होते क्यों हैं फ्लैग, वो लगाए क्यों जाते हैं। वो एक्चुअली फ्लैग्स लगाए जाते हैं यहाँ पे जो मरे हुए आदमी है उनके मेमोरीज में, जो भूटान में हम लोग देखे हैं, तो उनके मेमोरीज के लिए वो भगवान का मंत्र ये सब लिख के वो फ्लैग डाले जाते हैं। पहले नामची का भी, आप कभी गए? नहीं गए। प्रतिमान गया? मैं गया हूँ। घूम के आया कैसा लगा? अच्छा लगा। फिर से जा रहे हैं आज। भाभी जी गई है? भाभी जी पहले जा चुकी है ना, चलो घुमा हुआ है ना। कैसी जगह है, कैसी जगह है? मेरा बीबी जैसी है। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे बहुत अच्छा है यार। प्यार बना रहना चाहिए, है कि नहीं बॉस? चलो फिर से शुरू कर दे अपनी जर्नी। सनशाइन तो देख ही लिया आप। Around these walls, fighting to create a song. Guys, देखो पता है बॉस क्या चाहते हैं कि जैसे मैं सुबह कार्डियो करने जाता था तो बोल रहे हैं कि पीछे गाड़ी में बांध देंगे और तुम दौड़ते रहना। अभी बोल रहे हैं बाइक लेके आना। क्या जिंदा नहीं चाहते क्या, हमको जिंदा देखना है? गजब बेइज्जती है। अबे जैकेट लियो अबे 4,500 का। अरे साला काम कर रहा है कि नहीं, चेक तो करना है। कर रहा है, फुल काम कर रहा है, कोई चेक एक नहीं करना है मुझे। मम्मा का मेकअप अच्छा लग रहा है। मम्मा कितना देर लगा इसको करने में? 10 मिनट बस। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। बिल्कुल गाइस ये जो जगह है, इस जगह का नाम है भंजन। भंजन और भंजन का हीरो इधर है। ये भंजन का हीरो देखो देख क्या कर रहा है, देख कुत्ता कुछ कुछ चलो चलो इसलिए बोला ना मम्मा ने क्या, क्योंकि मेरे बैग में कुरकुरे और मम्मी को थाने है तुलतुले। ये जो आप मकान देख रहे हैं ना गाइस, ये मिस्टर पवन चांदलिंग जी यहाँ के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ना सिक्किम के, ये उनका घर। गाइस ये हम लोग पहुँच रहे हैं नामची बाजार में, नीचे लाल बाजार है यहाँ पे। ये जो था ये नामची बाजार है। क्या है वो? रावंगला 26 किलोमीटर, सिंगथाम 50 किलोमीटर, दामथांग 13 किलोमीटर। दिख रहा है आपको? देखो वो देखो लिखा है ना 20 किलोमीटर इधर, नामची 0 किलोमीटर बाजार। ये देखो गाइस सबसे पहले हम लोग चलेंगे चार धाम। नामची हॉस्पिटल नीचे। अच्छा यहाँ पे नामची हॉस्पिटल नीचे में है। बाइचुंग स्टेडियम जो मैं आपको बताया था ना गाइस, ये मिस्टर बाइचुंग भूटिया की ओनर में ये इस गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेडियम बनवाया है। यहाँ की गवर्नमेंट ने मिस्टर पवन चांदलिंग जी ने बनवाया था ये स्टेडियम। राइट तो मैं आपको, हाँ राइट ये भाई है हमारा यहीं के रहने वाले हैं, सिक्किम के प्रतिमान है हमारा भाई। तो अभी देखो यही सब कुछ बता रहा है कि इस जगह पे क्या है क्या नहीं है। बाकी मैं आपको स्टेडियम दिखाता हूँ बाहर से, अभी तो बंद है कोविड के टाइम पे।
जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अभी शिव मंदिर। शिव मंदिर, चार धाम मंदिर भी बोलते हैं ना शायद उसको, चार धाम मंदिर जा रहे हैं। बॉस सिलेक्शन हो रहा है फुटबॉल के लिए, आपका करवा दूं क्या? अंडर 50 की कैटेगरी में फुटबॉल में सिलेक्शन। रास्ता देखिए यहाँ से, ये पता है गाइस हमारे बॉस को बस एक ही चीज याद है, रोज गार्डन। रोज डे निकल चुका है, ठीक है अभी भाभी को इंप्रेस करके क्या फायदा बता। अरे भाभी को थोड़े देना है यार, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तू कौन है? तो किसी को भी दे सकता हूँ। अरे बड़ा गड़बड़, गर्लफ्रेंड को देना। देखो भाभी सब मिले हुए हैं, देखो सब सरकार मिली हुई है, भाभी बोल रही है गर्लफ्रेंड को देना है, बॉस को बता। दिक्कत क्या है इसमें? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा प्रॉब्लम है तो इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं सही बात, तुम्हारी बीवी दूसरे के साथ डेट में गई है। अरे यार यही सब मत बोलो यार, बाद में कभी सुन लेगी तो क्या बोलेगी? क्या सुन लेगी? क्या नहीं होगी क्या? दिल में दर्द होगा उसको, खुद तो भी होगा ना। हमको तो नहीं दर्द हो रहा। मम्मा कैसी हो, खुश हो ना? अच्छा लग रहा है ना आपको? दुख है उसे बेचारा। अच्छा ऐसे थम्स अप थम्स अप। ये डरा रहा है यार सामने वाला तो। क्या क्या दिल में? नहीं सच में भेड़िया जैसा तो वो दिख रहा है। अरे ये कैसे दिख रहा है? देखो हमारे बॉस कुरकुरे खुला रहे, कुत्तों को खाते हैं। मैं पहले ही बोला था ना ये सिक्किम के हैं, ये कुरकुरे उरकुरे थोड़ी ना खाते हैं। अरे मटन चिकन खाएंगे। अरे यार ये फिर तो से दिक्कत हो गया, संक्रांति है हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। दो किलोमीटर दिखा रहा है हमारे में तो।